आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, आतिशी बोल रही थी। इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी वही हुआ है। आम आदमी पार्टी का दावा ये कि सत्य की जीत हुई है, कोई भी सबूत नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं था संजय सिंह के खिलाफ, और वही बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी हैं ईडी से। तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर वही जो दावे आम आदमी पार्टी के हैं उन्हें दोहराती हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आइए अब देखते हैं देश के चुनावी संग्राम पर टीवी 9 भारतवर्ष का नया शो हमारा नेता कैसा हो, नागपुर से नितिन गडकरी एक्सक्लूसिव। गडकरी साहब नागपुर में अलग ही जोश दिख रहा है, एकदम अलग ही जोश दिख रहा है। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। भगवादारी तैयारी आ रहे हैं, भगवादार अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये विजय तिलक है जी, विजय तिलक है, 400 पार का विजय तिलक है। ये है गडकरी जी का रोड शो। हम नागपुर की सड़कों से गुजर रहे हैं, यहाँ पर एक भी बैनर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि गडकरी जी ने कहा है कि मैं बैनर के साथ नहीं, मैं खुद ही कैंपेनिंग कर रहा हूँ। ये रोड शो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, नागपुर उनका गढ़। नागपुर संघ की अगर बात की जाए तो मुख्यालय है यहाँ पर, और ये देखिए लोगों का जोश। बिल्कुल उनका है, सादगी से अपना काम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उस पर उनको विश्वास है। ये तस्वीरें आपके सामने जो हैं नागपुर की हैं, और नागपुर में यहाँ पर आप नितिन गडकरी जी का देखते हैं रोड शो निकलते हुए। सड़कों से बाहर, घरों के बाहर लोग निकल रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, और यहाँ पर एक जोश जो है वो अलग है। 5 लाख पार क्या है, 400 पार तो सुना था हमने, 400 पार तो अपने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सीटें आने वाली है, और 5 लाख पार ये मार्जिन रहने वाला नितिन जी का ये चुनाव में। कोशिश यही है कि 5 लाख से ज्यादा मेरी मार्जिन। तो टीवी 9 भारतवर्ष ने नागपुर में नितिन गडकरी जी की लोक संवाद यात्रा को कवर किया और देखा कि लोगों में क्या जोश है, क्या उत्साह है गडकरी जी को लेकर। सबसे पहला सवाल, मैंने आपका इंटरव्यू दिल्ली में भी किया है, यहाँ पर भी किया है, लोगों से भी मिला हुआ, गडकरी जी का मन कहाँ लगता है, दिल्ली या नागपुर? नहीं, मन तो दिल्ली भी लगता है, नागपुर भी लगता है, पर नागपुर मेरा जन्म स्थान है, मैं यहाँ का भूमि पुत्र हूँ, और जो बड़ा बना हूँ आज वो नागपुर में ही अपने कार्य की शुरुआत करके बड़ा बना हूँ, पार्टी में भी और सरकार में भी। और नागपुर की जनता अगर मुझे MP नहीं बनाती, अगर मुझे काम करने का मौका नहीं देती, तो शायद मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाता। कहते हैं कि गडकरी जी के पीछे पूरा का पूरा नागपुर का समर्थन है। मैं जब सड़कों पर जा रहा था आपके रोड शो को कवर करते हुए, तो नागपुर में एक नया नारा सुना मैंने, वो नारा था अब की बार 5 लाख पार। तो मैंने पूछा ये क्या है, 5 लाख क्या है, वहाँ तो 400 बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 लाख के डिफरेंस से जीतेंगे गडकरी जी, ये क्या है? ये ऐसा है कि इस बार कोशिश यही है कि 5 लाख से ज़्यादा मेरी मार्जिन बने चुनाव जीत की। ये सभी कार्यकर्ताओं का भी संकल्प है, और मैंने भी अपना उद्दिष्ट रखा है, देखिए क्या होता है। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से पार हो। लेकिन कांग्रेस का गढ़ रहा है ये, और जिसमें इस कांग्रेस के बैस्टियन को आपने तोड़ा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कहते हैं अगर 5 लाख का वो बात कर रहे हैं तो उनको कम से कम 85% वोट प्रतिशत मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि टोटल यहाँ 22.5 लाख तक वोटिंग है, 22 लाख वोटर होंगे, अगर उसमें 70% वोटिंग होता है तो कम से कम 14 लाख वोटिंग होगा, और 14 लाख में कम से कम मैं 60-70% वोट लेता हूँ तो भी मेरी मार्जिन 5 लाख की होगी। अच्छा, देखिए मैथ्स में और नंबर्स में तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए सवाल है ये 400 पार कैसे होगा? नहीं, 400 पार ये ऐसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हमने जो विकास का काम किया है, जो प्रगति की है, वो लोगों को इसका अनुभव हो रहा है, और इसलिए लोगों के मन में होप जगी है कि अगर देश का भविष्य बदल सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बदल सकती है, और इसलिए निश्चित रूप से लोगों का समर्थन है, और उसके कारण हम इस बार 370 भाजपा के और NDA के मिलाकर हम 400 पार हमारा समर्थन होगा, ये उद्दिष्ट हमने रखा है,
और निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन गडकरी जी, अगर एक्सपर्ट्स की बात माने और जो हम देखते हैं आंकड़े, नॉर्थ में बीजेपी का परफॉर्मेंस एकदम पीक पर रहा है, वहाँ पे कोई स्कोप बचता नहीं है, बहुत माइनर स्कोप होगा, एक या दो सीट। साउथ का एरिया है जिसको आप लोग टारगेट कर रहे हैं और वहाँ पर ये कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज तो भले ही बढ़ जाए लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर वो ट्रांसलेट नहीं होगा। देखिए, कर्नाटक में हमारा राज्य रह चुका है और कर्नाटक में हम बहुत शानदार जीतेंगे। तेलंगाना और आंध्र में, उसमें तेलंगाना में पिछले बार 4 सीटें जीते थे, इस बार उससे ज़्यादा जीतेंगे। आंध्र में हमारी अलायंस अच्छी हुई है और तमिलनाडु और केरल दोनों हमने अभी तक जितना चाहिए उतना यश नहीं मिला है, पर इस बार हमको दोनों राज्यों में अच्छा यश मिलेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। अब एक सवाल है, वो ये है कि जब पहली लिस्ट आई तो आपका नाम नहीं आया तो दिल की धड़कनें सबकी बढ़ गई, ये क्या हो गया? फिर ऐसी खबर आई कि गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी की एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई और उसके बाद जब महाराष्ट्र की लिस्ट आई तो सब कुछ ठीक था, आपका नाम आया, लोगों की सांसों में सांस आई, ये क्या था? कोई बात नहीं हुई और ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई, ये सब मनोकल्पित बातें हैं। पहली बार जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में पहली लिस्ट जाहिर हुई तब उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ के प्रदेश की टीम आई, पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनकी चर्चा हुई और जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से थे उनके नाम जाहिर हुए। महाराष्ट्र की लिस्ट इसलिए लेट हुई क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर 3 थे, हमारे बीच में चर्चाएँ चल रही थी और जब महाराष्ट्र की लिस्ट है उसमें मेरा नाम तुरंत आ गया। तो ये इसका कोई किसी इससे संबंध नहीं है, कारण न होते लोगों ने अटकलों में कारण आप ऐसी बातें लगाते हैं वो बेबुनियाद है और उसका वस्तुस्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है। गडकरी जी, हम नागपुर में हैं, आप नागपुर और दिल्ली दोनों में रहते हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगले 2 महीने बहुत रहेगी, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक गर्मी बहुत बढ़ी हुई है। इस वक्त विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो कह रहे हैं सब बीजेपी करवा रही है। देखो, कानून अपना काम करता है, ना हमारी सरकार की ओर से ना पार्टी की ओर से हम इस प्रकार की कोई राजनीति कभी करते नहीं। जो कुछ गड़बड़ियाँ होती है उसके खिलाफ एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है, अगर वो गलत है तो उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। फिर तो कोर्ट तय करेगा, अभी तक सब जुडिस है मैटर, इस समय उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होती है, 28 पार्टियां मिलकर आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र का गला घोट रही है बीजेपी और तानाशाही से विपक्ष को ख़त्म कर रही है। यह आरोप बेबुनियाद है और वस्तुस्थिति के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र पर हमारे पार्टी का, हमारे नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का पूरा विश्वास है, ऐसा कोई होने की संभावना